दोस्तों, सड़क पर चलते हुए क्या कभी आपने कुछ ऐसी चीजों को लांगा है जिसे लांगने से पहले आप एक क्षण के लिए रुके हों, या फिर एक क्षण के लिए ही यही सोचा हो कि क्या वो चीजें किसी प्रकार का कोई काला वस्त्र या श्रृंगार की चीजें थी। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको उन चीजों को देखकर यूं आश्चर्यचकित होना और रुक के सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि हमारे विष्णु पुराण में भी ऐसी ही 7 चीजों को बताया गया है जिसे देखने पर नजरअंदाज करने की भूल गलती से भी नहीं करनी चाहिए। क्या है वो 7 चीजें, चलिए आज जानते हैं। दोस्तों, आज की भौतिक दुनिया में मनुष्य इतना प्रायोगिक हो गया है कि किसी भी चीज से जुड़े वैज्ञानिक कारणों को खोजने लगता है, किंतु आज की पीढ़ी का हमारे पुराने ग्रंथों और शास्त्रों से अनजान होना आम सी बात है, और उनकी यही अज्ञानता उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। जो अधिकतर जनमानस ये नहीं जानता कि उनके द्वारा अनजाने में लांगी हुई वस्तुओं का असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, बल्कि साथ में उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। शायद अब आप बात की गंभीरता को समझ सकेंगे, आइए बताते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार पहली वो चीज जिसे लांगना बहुत खतरनाक है। दोस्तों, कई बार हमें सड़क पर मृत प्राणियों की अस्थियां दिखाई देती हैं। आमतौर पर ये अस्थियां उन दुर्भाग्यपूर्ण जानवरों की होती हैं जो सड़क दुर्घटना के शिकार हुए होते हैं। ऐसे शवों के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को ऐसी अस्थियों को ना तो भूल से लांगना चाहिए और ना ही इसके बगल से गुजरना चाहिए, और यदा कदा ऐसी भूल हो भी जाए तो तुरंत जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने का कारण हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि शव या शव के अवशेष अर्थात अस्थियों के आसपास नकारात्मक शक्तियों का जमावड़ा होता है, फिर चाहे वो शव किसी जानवर का ही क्यों ना हो। ऐसे में यदि कोई मनुष्य इनके संपर्क में आता है तो उसकी पवित्रता तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई दूसरी वस्तु के बारे में। तो दोस्तों, वस्तु कुछ और नहीं बल्कि बाल है। सुनने में ये कोई भयानक सी चीज नहीं लगती, पर हमारे हिंदू धर्म में बालों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, बालों के संदर्भ में महाज्ञानी भीष्म ने एक बात अर्जुन से कही थी, यदि भूल से भोजन में बाल आ जाए तो गलती से भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन पर पिशाचों का अधिकार हो जाता है। इसलिए भोजन के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि ये किसी भी मनुष्य के शरीर पर भार के समान है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने बालों का त्याग करता है तो वो साथ में उन नकारात्मक विचारों को भी त्याग कर देता है जो उसके कष्टदायी जीवन का कारण होते हैं। यही कारण है जिस वजह से जीवन के जन्म और मौत के शुभ और अशुभ अवसरों पर मुंडन कराया जाता है। इसलिए दोस्तों, सड़क पर पड़े कटे बालों को लांगना नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया तो बालों का त्याग करने वालों का भार उसे लांगने वालों के सिर पर चढ़ जाता है। अब आते हैं तीसरी वस्तु पर। तो दोस्तों, तीसरी वस्तु है भस्म अर्थात राख। दोस्तों, असल में होता यूं है कि जब कोई हवन यज्ञ पूजा अनुष्ठान होता है तो भूल वंश या ज्ञानता के कारण ये हवन की आग रस्ते में ही फेंक दी जाती है। अग्निदेव की कृपा से उपजी राख बहुत पवित्र होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इसे लांगता है या पैर रख देता है तो वो पाप का भागीदार हो जाता है और जीवन भर कष्ट भोगता है। यदि बात की जाए चौथी वस्तु की, तो हमें किसी भी रास्ते में पड़ी उन वस्तुओं को नहीं लांगना चाहिए जिन वस्तुओं का प्रयोग तांत्रिक विद्या या उतारे में किया गया हो। इससे होता यूं है कि तांत्रिक जन किसी नकारात्मक शक्ति को संतुष्ट करने के लिए किसी सुनसान जगह या सड़क या फिर चौराहे पर उसकी नकारात्मक शक्ति द्वारा बताई गई वस्तु, जैसे कि कोई मिठाई, कोरा वस्त्र, पान, बीड़ा, लौंग, नींबू आदि रख देते हैं ताकि वो नकारात्मक शक्ति उस वस्तु को आकर ग्रहण कर सके, किंतु इससे पहले उस वस्तु को लांग देते हैं तो वो आत्मा रुष्ट हो जाती है और आपका अहित करने के लिए आपके पीछे पड़ जाती है, जिसे आम भाषा में प्रेत बाधा भी कहते हैं, जिससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। यदि ऐसा हो तो अपने आप को इस संकट से बचाएं। अब हम आएंगे पांचवी वस्तु पर। हमें कभी भी कांटे वाले मार्ग से नहीं गुजरना चाहिए। वास्तव में कांटे भरे मार्ग पर चलना दुर्भाग्य का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग से गुजरता है तो उसे चोट लगने की संभावना तो होती ही है, परंतु उसके साथ ये आपके दुर्भाग्य में भी बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं छठी वस्तु पर। किसी व्यक्ति द्वारा सड़क पर स्नान किया पानी गिरा हो तो उसे लांगना नहीं चाहिए। विष्णु पुराण में इसे कष्टदायी बताया गया है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान के संदर्भ में बोला गया है कि स्नान से ना सिर्फ आपके भौतिक शरीर बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर की अशुद्धियां धुलकर जल में मिल जाती हैं। ऐसे में आपके द्वारा ऐसे जल को लांगने वाले के जीवन में
दरिद्रता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम अर्थात सातवीं ऐसी वस्तु के बारे में। असल में दोस्तों ये कोई वस्तु नहीं बल्कि वो गंदगी है जिसे हम में से कुछ मूर्ख लोग करते हैं, जिसमें मल, मूत्र, थूक, बालों के गुच्छे आदि ऐसी चीजें जिसे लांगने वाले को सिर, पेट और पैर में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों ये थी वो सात वस्तुएं जिसे विष्णु पुराण में रास्ते में दिखने पर लांगने से सख्त मना किया गया है। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।